सुनो मेरे गयूर नौजवानों, सुनो मेरी माँ और बहनों, क्या तुमने नहीं देखा कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन को शहीद करने वाले इसी हमारे ही बीच में से आए थे। इमाम हुसैन को शहीद करने वाले वही लोग थे जो साथ में नमाज भी पढ़ते थे और नवासे रसूल की गर्दन पर तलवार चलाने वाले वही लोग थे। टीपू सुल्तान से गद्दारी करने वाले कौन थे? सिराजुद्दौला से गद्दारी करने वाले कौन थे? मीर जाफर और मीर सादिक थे। तो दुश्मन बाहर से नहीं आएगा, घर के अंदर से आएगा। आज आपने देख लिया कि आपके घर के अंदर से दुश्मन आता है। 5 तारीख के दिन जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपको इन बातों पर गौर करना पड़ेगा कि कौन मेरे बच्चों का दुश्मन है, किसने मुझे बेरोजगार बना दिया, किसने मेरी फैक्ट्रियों के खिलाफ कंप्लेन दी। यही कांग्रेस के एमएलए ने ये दर्ग कागजात है, उसने लिख कर दिया कि इन फैक्ट्रियों को बंद करो। ये दुश्मन है आपके और साबिर आपका हमदर्द है। ये आपको गरीब गुरबत के और गरीबी में कर्जदार बना चुके हैं। साबिर आपको उससे निकालना चाहता है। मेरे गयूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, पहचानो अपने दोस्त और दुश्मन को। मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आज आपको एक तारीख बनाना है। 3 दिन के अंदर, 2 दिन के बाद आपको इस छिपावाड़े में, जमालपुर की विधानसभा में आपको तारीख बनाना है। और तारीख कैसे बनाएंगे आप? तारीख मैं नहीं बना सकता, तारीख सलीम भाई नहीं बना सकते, तारीख साबिर नहीं बना सकता, तारीख हमारे हिस्ट्री हमारे कॉर्पोरेटर नहीं बना सकते। आप हिस्ट्री बनाएंगे, आप एक नई तारीख लिखेंगे। जब 8 तारीख को नतीजा आएगा तो आप तारीख लिखेंगे। 5 तारीख को अगर आप पूरे लोग एक होकर, दिलों को मिलाकर, सोच को मिलाकर अगर एक हो जाएंगे, आपने देखा कि आपके इत्तेहाद को तोड़ने के लिए एक कमजोर आदमी आता है ताकि आपके दिलों की दीवारों को और उठाया जाए। मजलिस और साबिर ये चाहती है कि कोई बीच में ना आए, आपका दिल मेरा दिल एक हो जाए। तो आपको तारीख बनाना है, और तारीख कैसे बनाएंगे? जब इस तरह के लोग बीच में आके आपके इत्तेहाद को तोड़ना चाहते हैं, तो सुनो मेरे गयूर नौजवानों, सुनो मेरी माँ और बहनों, क्या तुमने नहीं देखा कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन को शहीद करने वाले इसी हमारे ही बीच में से आए थे? इमाम हुसैन को शहीद करने वाले वही लोग थे जो साथ में नमाज भी पढ़ते थे और नवासे रसूल की गर्दन पर तलवार चलाने वाले वही लोग थे। टीपू सुल्तान से गद्दारी करने वाले कौन थे? सिराजुद्दौला से गद्दारी करने वाले कौन थे? मीर जाफर और मीर सादिक थे। तो दुश्मन बाहर से नहीं आएगा, घर के अंदर से आएगा। आज आपने देख लिया कि आपके घर के अंदर से दुश्मन आता है, क्योंकि आपके इत्तेहाद को तोड़ना चाहते हैं। आपने फैसला कर लिया कि अब की बार साबिर रहेगा। आपने फैसला कर लिया कि जमालपुर में, चीपावाड़ा में, राम रहीम कॉलोनी में, बहरामपुरा में सिर्फ साबिर और पतंग रहेंगे, साबिर और पतंग रहेंगे, बाकी साहब साबिर और पतंग, बाकी साहब। तो पहचानो हमारे दरमियान में कौन हमको तोड़ना चाहता है, पहचानो आप। मैं बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं, मां और बहनों से अपील कर रहा हूं, नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानो। ये वो लोग हैं जो आपको तोड़ना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो आपको हमेशा कमजोर रखना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो साबिर के खिलाफ हैं, आपको कमजोर रखना चाहते हैं,
ये वो लोग हैं जो आपको यतीमों की तरह बेसहारा करके छोड़ना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो इत्तेहाद की दीवारों को गिराना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो हमारे बच्चों को जाहिल रखना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो हमारी औलाद को इल्म की शमा से दूर रखना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो तुम्हारे इत्तेहाद की दीवार को तोड़ना चाहते हैं। साबिर कौन है? साबिर हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहता है। साबिर कौन है? साबिर फैक्ट्रियों को खुलाना चाहता है ताकि उनको रोजगार मिले, वो मशीनें फिर से आवाज चलना शुरू कर दे, उसका नाम साबिर है। उस फैक्ट्रियों को जिंदा करने का नाम साबिर है। साबिर वो है जो आपके लिए अस्पताल डिस्पेंसरी बनाना चाहता है। साबिर वो है जो तुमको अपने भाई की तरह, अपनी औलाद की तरह देखता है। ये लोग तुमको सिर्फ ओट की तरह देखते हैं, ये लोग तुमको सिर्फ ओट की तरह देखते हैं, पर साबिर तुमको इंसान की तरह देखता है। साबिर जब अब किसी बच्चे को देखता है तो साबिर कहता है कि मुझे इस बच्चे को पढ़ाना है। साबिर अगर किसी बेवा को देखता है तो कहता है कि मुझे उसे बचाना है। साबिर अगर किसी कमजोर को देखता है तो कहता है मुझे इसको ताकतवर बनाना है। ये फर्क है साबिर में और साबिर के मुखालिफिन में, ये फर्क है जो साबिर के खिलाफ आज साजिश कर रहे हैं। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप इस फर्क को पहचानिए, इस फर्क को पहचानिए और 5 तारीख के दिन गलती मत करिए। मैं तकरीबन जमालपुर की विधानसभा को पैदल चलकर फिरा हूं और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर जमालपुर में जितनी गंदगी है, पानी गंदा पानी बहता है, रोड नहीं है, सफाई का इंतजाम नहीं है, अगर उसका 25% वो मसले मसाइल अगर मेरे हैदराबाद के पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में पैदा हो जाएंगे तो लोग मेरे खिलाफ खड़े हो सकते हैं। आप क्यों खामोश बैठे हैं? आप क्यों डर रहे हैं? मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि इस साबिर को पहचानो। आप मजलिस को आपने बल्दिया के इलेक्शन में 4 कॉरपोरेटर को कामयाब किया आपने, अब यहां से आप करीब कितने 38,000 वोट आपने दिए, उसमें सिर्फ और 10,000 का इजाफा कर दो, साबिर कामयाब होगा तो तुम्हारी कामयाबी होगी। साबिर कामयाब होगा तो आपके दुश्मनों की नाकामी होगी। साबिर कामयाब होगा तो आपके बच्चों के मुस्तकबिल को जो लोग बर्बाद करना चाहते हैं उनकी नाकामी होगी। साबिर कामयाब होगा तो मैं आपसे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि फैक्ट्रियां चलेंगी, फैक्ट्रियां दोबारा चलेंगी जल्द से जल्द इंशाअल्लाह ताला। एसटीपी का प्लान शुरू होगा, वो फैक्ट्रियों में कंप्यूटर कलरिंग सब मशीनें चालू होंगी। ये साबिर की कामयाबी, इन चीजों को आप कामयाब कर सकेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि आज आपको 5 तारीख के दिन जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपको इन बातों पर गौर करना पड़ेगा कि कौन मेरे बच्चों का दुश्मन है, किसने मुझे बेरोजगार बना दिया, किसने मेरी फैक्ट्रियों के खिलाफ कंप्लेन दी। यही कांग्रेस के एमएलए ने ये दरगे कागजात है उसने लिख कर दिया कि इन फैक्ट्रियों को बंद करो। ये दुश्मन है आपके और साबिर आपका हमदर्द है। ये आपको गरीब गुरबत के और गरीबी में कर्जदार बना चुके हैं। साबिर आपको उससे निकालना चाहता है। मेरे गयूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, पहचानो अपने दोस्त और दुश्मन को। तो 5 तारीख के दिन आपको तारीख बनाना है और तारीख आप कैसे बनाएंगे? इत्तेहाद को मजबूत करेंगे, दिलों को मिलाएंगे और एक जुट होकर, एक साथ होकर
अपने एक एक ओट का इस्तेमाल साबिर के पतंग के निशान पर करेंगे।